पंजाब टुडे देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मैं हां डॉक्टर जिंदर सिंह। पंजाब दी सियासत अज एक वखरे ही मुद्दे ते पक गई है। तमाम साथी कुछ अंदर बैठे ने, सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन दे विच बैठे हां। जिवें कि असी तुहानू दस्या सी अज दा घटनाक्रम। दरअसल पंजाब कांग्रेस दे सीनियर आगू अज मुख्यमंत्री भगवंत मान दी रिहाइश ते उन्हां नाल मुलाकात करने गए सन, जिन्हां नूं समां ना मिलन तों बाद इह मुद्दा हुण पक गया है। बगैर अपॉइंटमेंट दे कांग्रेसी साढ़े मानजोग सीएम साहब को भगवंत मान जी को पहुंचे मिलने लिए पहुंचे तो उन्होंने बुला के उन्होंने गल सुनी, आदर सत्कार किया और उस तो बाद उत्थे ही धरना लाके बैठ के किसका मिले कि साधु सिंह धर्मसोत को बचाना गा। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग, पंजाब कांग्रेस के विरोधी धिर के आगू प्रताप सिंह बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत होर कई सीनियर आगू अज मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मिलन लई उन्हां दी रिहाइश ते पहुंचे सन। कांग्रेसियों के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद ही उन्हां नूं समां दित्ता सी, पर बाद विच हुण उन्हां नूं मिलिया नहीं गया है, जिस तों बाद ही उन्हां ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश ते बाहर ही धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिता, जिस तों बाद चंडीगढ़ की पुलिस ने उन्हां नूं हिरासत विच भी लै लिया है। इस वेले कांग्रेस के सारे सीनियर आगू थाने दे विच हन। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस तों बाद एक ट्वीट किया अते कहा कि कांग्रेसी रिश्वतखोरी दे हक विच धरना दे रहे हैं अते रिश्वतखोरी कांग्रेसियों दे खून दे विच है। इन्ना ही नहीं, पंजाब दे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी अपना एक बयान जारी करके अजिहे ही दोष लगाए हैं। बगैर अपॉइंटमेंट दे कांग्रेसी साढ़े मानजोग सीएम साहब नूं भगवंत मान जी नूं पहुंचे मिलने लिए पहुंचे तो उन्होंने बुला के उन्होंने गल सुनी, आदर सत्कार किया और उस तो बाद उत्थे ही धरना लाके बैठ के किसका मिले कि साधु सिंह धर्मसोत नूं बचाउणा गा। साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस सरकार कोले आ, बहुत सारे सबूत सरकार कोले ने, कि कानून अपना काम कर रहा, कानून नूं अपना काम करन तों रोकण दे लई इह भ्रिष्टाचारी उत्थे बैठे ने, क्योंकि इन्हां दे खून दे विच, इन्हां कांग्रसियां दे खून दे विच भ्रिष्टाचार इन्हां दी रग-रग दे विच भरिया होया गा। इह आकड़े अपने भ्रिष्टाचारी मंत्री नूं बचाउण लई उत्थे बैठे ने, कि इस तों शर्म वाली होर गल की हो सकी। उधर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वल्लों लगातार ही सवेर तों अपने फेसबुक पेज ते लाइव हो के सारा घटनाक्रम नूं लोकां सामने रख्या जा रहा है ते कहा है कि असी लोकां दे मसले चुकन लई गए सन, ना कि किसे दी हमायत दे विच। तमाम साथी कुछ अंदर बैठे ने, सैक्टर 3 पुलिस स्टेशन दे विच बैठे हां। जिवें कि असी तुहानू दस्या सी अज दा घटनाक्रम कि असी भगवंत मान जी नूं मिलण वास्ते गए सी, बाहर खड़े रहे, उन्हां दा ओएसडी कोई ब्राड आया गगन पीसीएस ऑफिसर, उह सानूं अंदर लैके गया और सारे ने आदि चैकिंग करा के अंदर गए। उस तो बाद असी अंदर कॉन्फ्रेंस रूम च घंटा बैठे रहे, उत्थे साढ़े मोबाइल भी लै लए गए सन। फिर घंटे बाद उन्होंने सानू कहा कि मान साहब अज थानू नहीं मिल सकते, तुसी कल नू 1 बजे थानू समा दिता गया। सारे नू ये बहुत होया कि सानू समा दिता गया सी, असी मिल वास्ते आए सा और सानू घंटा बिठा के मिलिया नहीं गया। फिर जो जदोजहद हुई असी उत्थे अंदर बैठ गए कि ठीक है अज असी इत्थे बैठे हैं, और जदोजहद तुसी सारे ने देखी कि पुलिस सानू फोर्सली कह रही है जाओ तुसी इत्थे बैठ नहीं सकते, थानू लाइव विखाया गया, एक एक चीज लाइव विखाई गई और पुलिस ने कहा कि तुसी कल नू आए हो, असी थानू कल नू मिला देंगे। एंड नाल दी नाल भगवंत मान जी का ट्वीट आ गया, उस तो बाद असी सानू पुलिस स्टेशन लिया गया बैठा के, क्योंकि असी चुने हुए नुमाइंदे सी कोई गल करनी चाहते सी उन्हां नाल लॉ एंड ऑर्डर ते, उन्होंने ट्वीट करता कि सानू ए साधु सिंह धर्मसोत जां होर लोकां दे वास्ते मिलना चाहते सी, ए चाहते है कि इन्हां दे खून दे विच करप्शन हैगी आ, सो ए आपदे हक दी गल कर रहे सन कि साडा हक इत्थे रहा। साडी गल सी कि साडियां जिहड़ियां मंग आ जिहड़ी असी लॉ एंड ऑर्डर दी गल करनी चाहुंदे आ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਆਦਰਨੀਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ
चीमा साहब की उन्हें वीडियो आई है चैनल पे, ते चीमा साहब की कह रहे ने वो थानू लिंक नाल भेज देंगे। चीमा साहब कह रहे ने कि इन्हों का आपका मुख्यमंत्री इन्हों मिलता नहीं, लेकिन साडा मुख्यमंत्री ये बिना टाइम मंगे आए फिर भी इन्हों मिलिया, इन्हों की गल सुनी। ये चीमा साहब ने कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने, तुसी देख लो जे प्रधान जिहड़ा फाइनेंस मिनिस्टर है बाबा साहब अंबेडकर जी ते भगत सिंह की फोटो मगर लाई है, वो ये गल कह रहा है। भगवंत मान कह रहे कि मैं दसदा कारे वास्ते मिलने वास्ते आई सी, पुलिस कह रही है भी थोनू कल का समा दिता है अज मिलिया नहीं जा सकता, हुण साडे खिलाफ कंप्लेंट आई है। पहला तो यह कह दिता गया भी धक्के बढ़ गए, फिर वो वीडियोग्राफी सी जी जिन्हें 452 लाई जाए, 452 मतलब किसी के घर न धक्के दाखिल होना। हुण साडे ते परचा दर्ज जो किया जा रहा है, मैनू किसी ने दसिया कि 450 जां FIR उहदे वास्ते सीएम हाउस तों कंप्लेंट आई है, उहदे ते बकायदा लिखिया है कि ये बिना टाइम मंगे आए सी, अंदर बैठे बुलाया, लेकिन मान साहब व्यस्त सी इस करके इन्हां नूं कल दा समां दित्ता गया। ये रिटन कंप्लेंट दा हिस्सा है, 3 सैक्टर दे विच कंप्लेंट थोड़े सामने लैके आवांगे, FIR दे विच आएगा। इन्हां दा फाइनेंस मंत्री ये कह रहे कि इन्हां दे खून दे विच भगवंत, इन्हां दे खून दे विच करप्शन है ते भगवंत मान साहब इन्हां नूं मिले है। सो हुण तुसीं अंदाजा ला सकते हो भी सच्चा व्यक्ति कौन है, हालांकि उत्थे जिहदे कोल 2.5 करोड़ असीं लॉ एंड ऑर्डर की गल करन गए सी, असी जो पंजाब के हालात बिगड़ रहे वो गल कर गए और उत्थे जिहड़ा सतिंदर जैन फड़िया मंत्री फड़िया उन्होंने पद्म विभूषण दवाना चाहते सी, कहना चाहते उहदे कोलों 2.5 करोड़ साथी तो मिल गया, 2 करोड़ 1.5 किलो दियां गिनियां मिल गईयां, उन्होंने पद्म विभूषण दवाना चाहते सी ते कहंदे साडे नाल मोदी जी चाहे जितना भी धक्का कर ले हम उनका सामना करेंगे। साडे वाले बेशक करप्शन चार्जिज लगे ने, असीं कहने आ कि जिहदे ते कि अगर वाकई ये कानून आपका काम करे, अगर किसी ने कोई गलती की और कोई माफी नहीं है, पर अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, अगर तुसी बिना सबूतों बिना किसी गल तो बिना कोई ऐसी चीज फड़े की रिकवरी की है, तुसी तो कह रहे हो भी थोड़े आले तो 2 करोड़ फड़िया गया ते सियोना फड़िया गया, इहनू पद्म विभूषण दिओ, ये भाजपा धक्का करी जाएगी। इतने जिन्हें तो कुछ नहीं फड़िया गया वो कह रहे हैं कि ये सारे चोर है। सो एक क्लीयर कर लो, जनता थोनू वेख रही है, और अगर अगर 40 करोड़ और जरा एक CBI की रेड पई इन्हों के MLA के खिलाफ जिसे बैंक चो 40 करोड़ रुपया मिल गया, सो होर बथेरे एक नू सजा होगी। ये दुध के तोते है जिन्हों 3 साल की सजा होगी, पटियाला का जो जरा MLA सानू ये कह रहे हैं कि यह सब चोर, असी बिल्कुल डरते नहीं हाँ, तुम इंक्वायरी करो ठोके सच सामने आ जाएगा, लेकिन कम से कम आपस में तालमेल तो बिठा लो। जनता को यह पता लग चुका है कि तुम फाइनेंस मिनिस्टर का ज मुख्यमंत्री का आपस में तालमेल ही नहीं है, पता ही नहीं जो मर्जी दिल चाहता वह बोल देने। इस करके अरेस्ट किया करप्शन चार्जिज के, वीडियो आई है साढ़े तो इल्जाम हजे तुम साढ़े वाले मंत्री के इल्जाम लाए ने कि डायरी के नाम से, हालांकि असी गल भी नहीं की, असं आख्या ठीक है असी कानूनी लड़ाई लड़ेगा सरदार साधु सिंह, अगर सच्चा होया तो आ जाएगा बार, पर इस दे बावजूद तुसी आपका मंत्री मौजूदा जिहड़ा दसा दिन च फड़ के अंदर दिता, वो करप्शन तुसी थोड़ी पार्टी का दुद्ध ही धोती है, और हुण जिवें मोनोपलाइज करके तुसी वड्डे लोगों नूं फायदा पहुंचाउण की गल कर रहे हो, यह सब कुछ सामने आ जाना मान साहब। सो इस तरह दीआं बेतुका गल्लां करनियां यह चंगी गल नहीं है, बिल्कुल असी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और चीमा साहब माफी चाहुंदा तुसी जरा जानकारी लैके आपके बयान की पुष्टि करो तो माफी मंगो और लोगों को दस दौ कि साढ़े कोआर्डीनेशन नहीं है, इसे करके पंजाब के हालात। इस मौके प्रताप सिंह बाजवा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भगवंत मान के इस वतीरे की निखेधी भी की है। बहुत अनफॉर्चुनेट 75 साल देश की इंडिपेंडेंस के बीच मैं इन्नी वाह याद सकता इन्नी बेवकूफाना राज सरकार ने मैं वेखी जिहड़ा अपने लीडर्स नू मेन ओपोजिशन इस तरह से ली घर में बुला के अज घर दे विच असी धरने वाली जगह ते बैठे। मैनू बहुत ज़्यादा अफसोस है इस गल का कि जिहड़ी पार्टी बदलाव की गल कर, ये बदलाव है
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚੋਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਲਏ ਸਾਰੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਫਰਿਸਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾਰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰਿਸਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਜੇ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਸਕਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਦਿੱਲੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਟਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੁੰਡਾਇਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ।